अलैकुम, मेरा नाम मोहसिन अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहसिन मुल्तानी के नाम से। आज मेरे पास हैं मुल्तान से अली भाई, और अली भाई के जो ब्रांड हैं वो 6 से 7 ब्रांड हैं, इनसे ज़बानी ही बात करेंगे और ये हमें आज क्या सिखा रहे हैं इनसे बात करेंगे कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पे बना रहे हैं। अली भाई, क्या हाल है? तो पीछे ठीक है, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, हमें आज क्या सिखा रहे हो बनाने के लिए? वाइट कॉन्सेंट्रेटेड फिनाइल, जिसे हम फिनाइल की बेस भी कहते हैं। अच्छा, ये इसकी फार्मूलेशन भी बताएंगे हमें, हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों के साथ, और जो अपने घर में बनाना चाहे या अली भाई से सीखना चाहे, अली भाई का मैं नंबर भी दे दूंगा फार्मूलेशन के साथ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन का जो बटन है वो भी दबा दिया करें कि आने वाली वीडियो शायद आपके काम की हो और जल्द से जल्द आपको मिल सके। पूरी हम आज वाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। इसका बड़ा इजी से फार्मूला है। फिनाइल जो है वो बेसिकली दो तरह से बनता है, एक बिरोजे से बनता है, बिरोजे और कास्टिक को पका के, वो ज़रा ख़तरनाक अमल होता है, उसमें आग लग जाती है। तो हम बनाएंगे लिक्विड सोप से और पाइन ऑयल से। ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। 500 ml आपने लेना है लिक्विड सोप, बगैर खुशबू के। ठीक है, 1 लीटर फिनाइल कंसेंट्रेट की मैं आपको फार्मूलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ये 1 लीटर की है, एक बार फिर बताएंगे ये क्या चीज़ है। ये लिक्विड सोप है। ये कहाँ से मिलता है? केमिकल वाले से आसानी से मिल जाता है? किसी भी केमिकल शॉप से आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बगैर खुशबू के लें। ठीक है। अच्छा जी, ये लिक्विड सोप आ गया जी। इसके अलावा सोप के बाद हम डालेंगे इसमें टर्पेंटाइन ऑयल। क्या, एक बार फिर बताएंगे? टर्पेंटाइन ऑयल, टारपिन का तेल जिसे कहते हैं। टारपिन का तेल कैसे हैं इसके? अक्सर लोग इसमें कटिंग ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि कटिंग ऑयल ठीक नहीं रहता। ठीक है, कला खुशबू होती है। ये कितने ग्राम है? ये 200 ml है। 500 ml हमने लिया लिक्विड सोप, 200 ml टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, इसमें हम 200 ml ही जो है पाइन ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 200 ml पाइन ऑयल। पाइन ऑयल, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ये बहुत आसान सा है फार्मूला भी, और अगर कोई दोस्त करना चाहे तो सिर्फ इसका ट्रेडमार्क लेके कम पैसों में काम शुरू भी कर सकता है, या कोई एक आध ब्रांड पहले चला रहा है तो उस इसको नाल एडजस्ट भी कर सकता है। अगर ये इसकी बोतल जो है वो दर्जन के हिसाब से या एक कितने की मिल जाती है? ये बोतल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, 28 रुपये से लेके 22 रुपये तक की खाली बोतल खाली मिल जाती है। ठीक है, अपना जो स्टिकर है वो स्टिकर बनवा के लगा ले इसके ऊपर। अगर आपसे कोई ख़रीदना चाहे तो भिजवा देंगे। मैं भिजवा सकता हूँ। चलो, ये तो मेरे काम आएगा ना, मैं इसको देखूँगा क्या क्वालिटी है इसकी। ये फिनाइल कंसनट्रेट है, अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें PDF का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको गाढ़ा कर देगा। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं जी गाढ़ा फिनाइल चाहिए हमें, लेकिन गाढ़े फिनाइल का मसला ये होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम 1 से 1.5 घंटा रखेंगे, उसके बाद ये आपका फिनाइल कंसनट्रेट तैयार हो जाएगा। ये जी 1 लीटर पानी हो गया इसके अंदर, ये दूध बन गया। ये हाई क्वालिटी वाइट कंसनट्रेटेड फिनाइल बनता है इससे। अच्छा, ये पर लीटर कितने का पड़ जाता तकरीबन? यार वो पर लीटर पड़ जाएगा 9 रुपये kg। 9 रुपये kg जी। मार्केट में से ये कितना का सेल होता है? मार्केट में 90 रुपये से लेके 120 रुपये तक सेल हो रहा है। 3 लीटर की बोतल होती है इसकी, जैसे अच्छा। कि मेरी बोतल है। आप अपनी बोतल दिखाएं। ये जी है स्टार शैन के नाम से इनका अपना जो है। ठीक है, ये बोतल खाली कितने की मिल जाती है? बोतल ये खाली मिलती है 27 रुपये की। 27 रुपये की बोतल ग्रामीण में जाती है। तो एक जो स्टिकर है वो कितने का बनता है? 2 से 2.5 रुपये का पड़ जाता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्टिकर बनवाते हैं। तो ये 9 रुपये kg पड़ता है फरनाइल। ये जी फरनाइल आपका तैयार हो गया। कोई दोस्त अगर काम करना चाहे तो ये कम पैसों में एक ब्रांड एडजस्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 03016623542।
इन अली भाई का शॉप भी है अपना स्टार शैन के नाम से। कितने आपके पास ब्रांड है? मेरे पास हार्पिक होता है, डिशवाशर होता है, लाल और नीला दोनों हार्पिक होते हैं, ठीक फिनाइल है। होता है, हैंड वॉश होता है, उसके अलावा टॉयलेट क्लीनर, क्लीनिंग जेल, ग्लास क्लीनर। अगली वीडियो हम कौन सी बनाएंगे? इंशाल्लाह हम हार्पिक की बनाएंगे। हार्पिक की बनाएंगे। ठीक है सर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।